इंग्लिश में बहुत अतरंगी नाम है, पेट्री चोर, द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, द फर्स्ट रेन, वो ये है आइटम। तो ये जैसे ही मैंने जैकी दादा की बात सुनी, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं रेन ड्रॉप परफ्यूम और उसमें मिलाऊं रोजा। बेसिकली जैकी दादा ने बात कहा कि किस तरीके से अगर हम ये मिस्ट और ये रेन वाटर जैसा स्मेल वाला अगर फ्रेग्रेंस लेते हैं और इसमें अगर हम रोज फ्लेवर मिक्स करते हैं तो एक नया बहुत ही अच्छा परफ्यूम सेंट तैयार होता है। ऑफ कोर्स इसका इत्र वर्जन भी है, इसका परफ्यूम वर्जन भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमल चले। अजमल बेसिकली यहाँ देरा दुबई में लोकेटेड है। अजमल के और भी शॉप्स हैं पूरे यूएई में, मिडिल ईस्ट में और बाकी पार्ट्स में, इंक्लूडिंग सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमल का परफ्यूम ट्राई किया जाए। उसका इत्र मैंने पहले भी ऊद इत्र ले रखा है, बहुत अच्छा होता है, रोज़ा ऊद बहुत बेहतरीन होता है। तो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं वहाँ पर रेन ड्रॉप ढूंढने का कोशिश करूँ, रेन ड्रॉप फ्लेवर, और साथ ही साथ मैं उसमें मिक्स कर दूं रोजा और फिर देखूंगी कैसी खुशबू तैयार होती है। मुझे खुद भी इत्र और परफ्यूम का बहुत शौक है। तो मैं चला गया देरा दुबई और मैंने ढूंढना शुरू किया अजमल का वो शॉप जो कि लोकेटेड है गोल्ड सुख के पास। चुके हैं, लेट्स ट्राई एंड लेट्स सी दोनों को मिक्स करने के बाद कैसी खुशबू आती है। इसे ट्राई करते हैं। तो ये है रेन ड्रॉप, मैं इसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छी खुशबू है नो डाउट, और इसमें जैकी भाई के कहने के मुताबिक जैकी दादा ने कहा था इसको मिक्स करो रोज के साथ। रोज का फ्रेग्रेंस थोड़ा स्ट्रांग है जिसकी वजह से ये माइल्ड जो स्मेल है रेन ड्रॉप के वो छिप रही है, पर अदरवाइज खुशबू बहुत अच्छी है। दोनों मिक्स करने के बाद लिटरली बहुत खुशबू आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये इट्स अ नाइस ट्राई। जब भी मिलेगा मौका मुझे ये जरूर देना। ये रोज है, रोज एंड अर्थ कंबाइंड इज द डेडलीस्ट फ्रेग्रेंस आई हैव एवर हैड।